सुनाओ प्यार की एक कहानी। तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना सीखेंगे। तो गाइस, इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना हो तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए, हम आपको बहुत ही इजी स्टेप में बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते स्टार्ट। सो गाइस, इस तरह का स्टेटस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास VN एप्लीकेशन नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो गाइस, हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। इसके बाद हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपको एक वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, जिस फोटो से आपको स्टेटस क्रिएट करना है। ध्यान रहे कि आपको पहला वाला फ़ोटो बॉय का होना चाहिए, बाकी आप कोई भी कपल का फ़ोटो दे सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो और वीडियो ऐड हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर में ओरिजिनल का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी रेशियो को 9:16 वाला रेशियो कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी स्टेटस बनेगा वो फुल स्क्रीन में बनेगा। फिर गाइस, हम यहाँ पर क्लिक करके बैक आ जाएंगे। फिर इसमें म्यूजिक ऐड करेंगे। म्यूजिक ऐड करने के लिए गाइस, हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और म्यूजिक पर क्लिक कर लेंगे। और गाइस, इस म्यूजिक का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, तो आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपली इस वाला म्यूजिक को ऐड करना है। इसके लिए हम चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट का ऑप्शन, जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो गाइस, हमारा म्यूजिक ऐड हो चुका है। इसके बाद हम पहले नंबर वाले इमेज पे क्लिक करेंगे और इसकी टाइमिंग को 1.3 सेकेंड रख लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे पहले नंबर वाले इमेज की टाइमिंग को 1.3 सेकेंड हो चुका है। इसके बाद हम सेकेंड नंबर वाले इमेज पर क्लिक करेंगे और इसकी टाइमिंग को हम 3.8 रख लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे सेकंड नंबर वाले जो इमेज है उसकी टाइमिंग को हम 3.8 रखे हैं और फर्स्ट नंबर वाले इमेज की टाइमिंग को हम 1.3 रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये सॉन्ग जब प्ले होगा तो हमारे वीडियो सॉन्ग के साथ मैच कर जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं बताते हैं। इसके बाद गाइस, आपको जो पहले नंबर वाली इमेज है, सिंपली आपको अपने इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो एफएक्स का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको एफएक्स पे क्लिक करना है। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी तरह के इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और इसकी टाइमिंग को आपको पूरा 1 सेकंड तक कर लेना है। यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे जो राइट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस, आपको सेकंड नंबर वाली इमेज पर क्लिक करना है और फिर से एफएक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा स्लाइड करके फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद इसकी टाइमिंग को आपको 1 सेकंड तक कर लेना है और इसको स्लाइड करके स्टार्टिंग पे ले आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे जो राइट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो हमारे दो फोटो में इफेक्ट ऐड हो चुका है। इसके बाद हम तीसरे नंबर वाले फोटो पर क्लिक करेंगे और फिर से इफेक्ट्स पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम स्पिन इन वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसकी टाइमिंग को हम पूरे फोटो में कर लेंगे, फिर यहाँ पे राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद गाइस, हम चौथे नंबर वाली इमेज पे क्लिक करेंगे और फिर से एफएक्स पे क्लिक करेंगे और स्पिन इन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इस वाले इफेक्ट की टाइमिंग को हम पूरे फोटो में कर लेंगे, फिर यहाँ पर राइट पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह करके गाइस, आपको सभी बाकी की इमेज में स्पिन इन वाला इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। हमारे सभी इमेज में इफेक्ट ऐड हो चुका है और यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का बॉक्स मिलेगा। सिंपली इस बॉक्स को क्लिक करना है और इसको यहाँ से डिलीट कर लेना है। तो इसको डिलीट करने के बाद गाइस, हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद हम इसमें ब्लैक स्क्रीन का एक वीडियो ऐड करेंगे। इसके लिए यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है, सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और वीडियो फोटो पे क्लिक करेंगे और वो ब्लैक स्क्रीन का वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे। इस ब्लैक स्क्रीन का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो गाइस, ये हमारा वीडियो है, इसको सिलेक्ट किए VN एप्लीकेशन में ऐड हो चुका। इसके बाद गाइस, इसको खींच के कुछ इस तरह से अपने पूरे स्क्रीन में फिट कर लेंगे और गाइस, यहाँ पे थोड़ा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको स्क्रीन का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक करना है।
तो गाइस हमारा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। तो गाइस हमारा वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हमें इसे सेव करना है, फिर हम कोने में जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो राइट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।